फ्रेंड्स, स्वागत है आपका गीताज काना में। मैं आपको अपने चैनल में सुंदर सुंदर कान्हा जी की ड्रेसेस बनाना सिखाऊंगी। चलिए शुरू करते हैं। आज मैं आपको कान्हा जी की 3 से 4 नंबर की चोली बनाना सिखाती हूँ। ये हमारी ऊन है रेड और ब्लैक कलर की। हम इसमें शुरू करेंगे कान्हा जी की चोली बनाना। आइए इसमें अपना नॉट बांधते हैं। हम इसमें 20 चैन बनाते हैं। हमें इसमें अपनी 20 चेन बनाएंगे। बीस चेन बनाकर हम इसमें सिंगल क्रोशिया करेंगे। 20 चैन के लिए हमें इसमें 21 चैन लेंगे, उसमें हमारी 18 चैनें रह जाएंगी और 3 चेन हमारी ऊपर एक चेन के लिए बन जाएंगी। इसमें हम सिंगल डबल क्रोशिया करेंगे। 1, 2, 3 हो गया हमारा डबल क्रोशिया। अब हम इसको पूरी चेन इसको डबल क्रोशिया की बना लेंगे। ये देखिए, ये हमारी 20 क्रोश लाइन चेन की क्रोशिया वन डबल क्रोशिया बन गए हैं वन लाइन। और हम सेकंड रो में एक को स्किप करके दूसरे में डबल क्रोशिया करेंगे। एक को छोड़कर दूसरे में हम डबल क्रोशिया कर लेंगे। जैसे इसमें हम सिंगल क्रोशिया कर लेंगे, अगले में हम डबल क्रोशिया करेंगे। एक के बाद एक हम डबल क्रोशिया करेंगे। इस रो में हम ऐसे ही इसको पूरा करेंगे। ये देखिए, ये हमारी लाइन पूरी हो गई है। इसको हमने एक छोड़कर दूसरे में डबल क्रोशिया दो बार लिया है। एक में एक और दूसरे में दो बार डबल क्रोशिया किया है। फिर से हम इस लाइन में ऐसे ही करेंगे। एक में हम एक क्रोशिया करेंगे, एक डबल क्रोशिया करेंगे, सेकंड में हम डबल क्रोशिया करेंगे। ये हमारा सिंगल क्रोशिया हो गया एक। अब हम इसमें डबल क्रोशिया दो बार करेंगे। इसमें सिंगल क्रोशिया लेंगे, दो डबल क्रोशिया लेंगे। इसी तरह इस लाइन को पूरा करेंगे। ये देखिए, अब हमारी ये रो पूरी हो गई है। अब हम इसमें इसको 4 भाग में डिवाइड कर लेंगे। 4 भाग में हम इसको 8 पहले चावल 8 बनाएंगे। हम अपने 8 डबल क्रोशिए पूरे करेंगे इसमें। उसके बाद हम इसको बाजू के लिए छोड़ेंगे। एक, दो, सात, आठ। अब हम 8 स्किप करेंगे। 8 चेन को हम क्रोशियो को स्किप कर देंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और हम इसमें 8वें उसमें लेंगे। ये हमारी इसमें हम डबल क्रोशिया करेंगे। ये देखिए, ये हमारी स्लीव की जगह बन गई है। ये हमारी ऐसे स्लीव निकल गई। हम इसमें डबल क्रोशिया करेंगे। उधर से भी हम दूसरी साइड से भी अपने
आठ और आठ सोलह क्रोशिए की अपने निकाल के बाकी की हम वेस्ट के लिए कमर के लिए यूज करेंगे क्रोशिए को। हम पहले उधर से अपनी काउंटिंग कर लेते हैं। आठ हमारी डबल क्रोशिया बनाने हैं हमें, आठ हमें स्किप करने हैं। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ ही हमारे आगे के हो गए। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ हमको स्किप करने हैं। तो हम इसमें नाइन तक अभी हमें बनाने हैं, इसी तरह हम इसको बनाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ हमने इधर एट स्किप किए और उसके बाद ये कमर के लिए ले लिए। अब हमने एट स्किप किए और ये अब आगे की लिए ले लेंगे। इसको इतना छोड़कर आठ गिन के ये हमने छोड़ दिए हैं और यहाँ से हम फिर से अपने आठ डबल क्रोशिए बनाएंगे। चार पाँच छः सात आठ, ये हमारे यहाँ पर आठ डबल क्रोशे हो गए। और हम इसको आपस में जॉइंट करेंगे। जॉइंट करने के लिए हम इसमें, ये हमारी राइट साइड है, ये हमारी उल्टी साइड है, हम इसको ऐसे करेंगे। जोड़ने के लिए हमें इसमें धागा ऊपर नहीं चढ़ाएंगे, हम इसको सीधा ऐसे ही यहाँ से यहाँ से इसको चेन लेंगे और इधर इसको बगैर टाका लिए इसमें से निकाल देंगे। तो ये हमारे यहाँ पे जॉइंट हो गई है। इसको हम चेन बनाएंगे और हम सिंगल क्रोशिए के ऊपर ये डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक क्रोशिए के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसी तरह से अपनी लाइन को पूरा करेंगे। देखिए इनको पूरा करेंगे। देखिए और इसी तरह से अपनी लाइन को पूरा करेंगे। देखिए इसी तरह से हम अपनी लाइन को पूरा राउंड में पूरा कर लेंगे। देखिए ये हमारी रो पूरी हो गई है। हम इसको यहाँ पे जॉइंट करेंगे और अगले ले के लिए हमें इसको हम यहाँ पे स्किप कर देंगे, इसको हम यहाँ पे धागा कट कर देंगे। कैची दी कैची, ये हम धागा यहाँ पे अपना कट कर लेंगे। और हम इसके लिए बाजू बनाने के लिए थोड़ा सा ब्लैक धागे को यूज करेंगे, क्योंकि हमें नीचे ब्लैक धागा भी यूज करना है थोड़ा सा। तो हम अपना ये ब्लैक धागे से इसकी यहाँ पे बाजू के किनारे पर बनाएंगे और यहाँ पे अपना ये बनाएंगे। इसको हम यहाँ पे कट कर लेंगे अपने धागे को। इसको निकाल देंगे, इसको हम यहाँ पे अंदर इस तरह से
फोल्ड कर देंगे ताकि हमारा धागा अंदर बाहर अंदर से बाहर से ना दिखे। हम इसको अंदर लेके अपने इसको टर्न कर देंगे, मोड़ देंगे इसको, ये हमारा धागा बाहर से नहीं दिखेगा। इसी तरह हम इस धागे को भी ऐसे ही अंदर ले लेंगे ताकि हमारा धागा बाहर ना नजर आए। इसमें ऐसे करके अंदर इसको ले लेंगे, ये धागा हमारा बाहर नज़र नहीं आएगा। ये देखिए हमने इसको यहाँ पे अंदर ले लिया तो हमारा धागा बाहर नज़र नहीं आ रहा है। और हम इसमें यहाँ पे जॉइंट करेंगे ब्लैक धागे को, लूप बनाएंगे, इसको इसमें इस तरीके से यहाँ पे हम इसको ऐड कर लेंगे। हमारा ये धागा हम इस धागे को हम इसके साथ साथ ही ले लेंगे। देखिए इसको हम इसके साथ साथ लेंगे ताकि ये हमारा हम एक साथ इसमें ये लेते चले जाएंगे। एक उसमें से हम दो बार सिंगल क्रोशिया करेंगे, इसे हम सिंगल क्रोशिया से बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया से बनाते हुए हम एक बार में इसको सिंगल क्रोशिया से हम ऐसे बनाएंगे, सॉरी हम लपेट इसको नहीं करेंगे, इसको हम सिंगल क्रोशिया से बनाएंगे और पूरा हम ऐसे अपना इधर से गले नेक से लेके राउंड तक हमें यहीं तक लेके आना है इसको बनाते बनाते। देखिए ये हमारा सिंगल क्रोशिया के जरिए हम इसको ऐसे आउटलाइन की तरह बना देंगे। जिस तरह से आउटलाइन बनती है हमारी, एक तरह से ये आउटलाइन बन जाएगी। यहाँ पे हम इस तरीके से लेंगे, थोड़ा राउंड से आ जाएगा ये। देखिए ये हमारा सिंगल क्रोशिया बना के अपने ये राउंड को पूरा कर लेंगे। जहाँ से हमने शुरू किया था वहीं तक इसको बनाते चलेंगे। देखिए ये हमारी रो पूरी हो गई है। इसको हमने डबल सिंगल क्रोशिया से जहाँ से शुरू किया था वहीं तक ले आए हैं और यहाँ अब इसको जॉइंट करके अपने धागे को कट कर देंगे। ये और अपने धागे को हम पीछे ले लेंगे, धागे को हम अपना पीछे लेके इसको हम यहाँ पे इनसे यहाँ पे इससे भी हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं, जॉइंट कर देंगे यहाँ पे हम अपने धागे को जॉइंट कर देंगे। अब हम बाजू के लिए करते हैं। बाजू के लिए हम इसमें यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से हम अपना इसको शुरू करते हैं। यहाँ से हम अपना इसमें लूप लेंगे, इसको निकाल लेंगे, इसको ऐसे करेंगे, ठीक है। इस धागे को हम अपना साथ के साथ इसके साथ साथ रखेंगे ताकि हमारा धागा इससे साथ साथ चले।
देखिए इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे और हम इसमें डबल क्रोशिया के साथ साथ धागे को रखेंगे, अपने साथ साथ धागे को रखेंगे ताकि हमारा धागा निकलेगा भी नहीं और दिखेगा भी नहीं। हम इसमें डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे राउंड में। ये बनने के बाद बहुत सुंदर लगेगी। इसको हम राउंड करते करते यहाँ तक ले आएंगे और यहाँ पे इसको जॉइंट कर देंगे। ये देखिए ये हमारी रोप, ये हमने यहाँ पूरा कर लिया है इसको। ये हमारी स्लीव बन गई है। हम इसको यहाँ पे एक इसको डबल नहीं लेंगे, हम इसको खाली ऐसे ही लेके और इसको यहाँ इससे निकाल के इसको कट कर देंगे। देखिए ये हमारी रो गई। हम धागे को इसे नीचे ले लेंगे, इसको पीछे इसको जॉइंट कर देंगे हम धागे को यहाँ पे। देखिए तो ये हमारी स्लीव हो गई छोटी सी। तो हम दूसरी स्लीव बनाएंगे। देखिए इसी तरह से हम यहाँ पे दूसरी स्लीव भी बनाएंगे। इसको ले लेंगे अंदर। देखो इसको हम ले लेंगे और अपने धागे को हम साथ साथ रखेंगे ताकि हमारा धागा निकलेगा भी नहीं और दिखेगा भी नहीं। देखिए हम डबल क्रोशिया बनाते हुए राउंड को इसको पूरा कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हम इसको साथ साथ रखेंगे। देखिए इसको साथ साथ रखेंगे तो ये हमारा दिखेगा नहीं और डबल क्रोशिया के जरिए बनाते चलेंगे। इस तरह से हम इसको पूरा कर लेंगे और यहाँ पर इसको जोड़ देंगे।